बार हमको मत समझाइए, दो नंबर आदमी हो तुम, बेटी का घर नहीं बसने दोगे, मुकदमेबाजी करोगे। तुम क्या करती हो, कहां तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के। शादी के बाद कब हुआ शादी? शादी 15 में हुआ था। हस्बैंड के साथ जाना है कि नहीं? जाना है, लेकिन सुरक्षा चाहिए आपसे। क्या सुरक्षा, क्या पुलिस चाहिए? आप आइए, आप उनको भेज दे, उनको मैडम लेते, उन बाप बेटी को यहाँ रखिए। क्या करते हैं आप जी? बिजनेस करते हैं। कहाँ? पटना में से। किस चीज का? किराना दुकान है सर। कहाँ पर? मीठापुर में से। मीठापुर में कहाँ? बिगरापुर इलाका में। बिगरापुर। बिगरापुर में कब से? हो गया 10 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा जिला सर। कोई लोग और यहाँ मकान में कहाँ किराया का है कि अपना है? किराया पर। किस कहाँ पर? वही जो दुकान है उसी के पीछे। ना वो वहाँ रहते नहीं, अब किराए पर आप रहते हैं खगौल में। किराए पर। खगौल में ही रहते हैं, पटना में ही रहते हैं ना जी। तो आरा में मेंटेनेंस केस क्यों फाइल किए अपने दामाद के खिलाफ? आरा में इसलिए कि मेरा घर पर और भाई लोग हैं, बाबूजी हैं सब। वहाँ फाइल होता है मेंटेनेंस केस अगर बाबूजी और भाई आपके वहाँ रहते हैं तो? हम भी मैंने जाते हैं। कब जाते हैं? किराना घर जहाँ जाइएगा, गाँव जाइएगा तो वहाँ से मुकदमा करिएगा दामाद पर। वेयर इज द बॉय? रोके हुए भेजे। पहले वो डाइवोर्स केस किया है सर, इसके बाद हम लाचार होके। लाचार होके आप अपने घर बेटी का घर बसने नहीं देना चाहते हैं? दम बसने तो आपको जब डाइवोर्स केस उन्होंने किया, वो किए थे कहाँ किए हैं? नहीं, सिविल कोर्ट पटना। सिविल कोर्ट पटना में, तो उसी में ना पिटीशन देते मेंटेनेंस का कि अलग से जाकर आरा में एक्स पार्टी ऑर्डर लेना है आपको। यू आर प्लेइंग विद द लॉ। आपको जब सुविधा जहाँ करेगा वहीं मुकदमा करिएगा। घर था मेरा वहाँ। और आपका घर था, बार बार हमको मत समझाइए, दो नंबर आदमी हो तुम, बेटी का घर नहीं बसने दोगे, मुकदमेबाजी करोगे। तुम क्या करती हो, कहाँ तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के। शादी के बाद कब हुआ शादी? शादी 15 में हुआ था। हस्बैंड के साथ जाना है कि नहीं? जाना है, लेकिन सुरक्षा चाहिए आपसे। क्या सुरक्षा, क्या पुलिस चाहिए? नहीं, पुलिस नहीं चाहिए। जैसे वहाँ अपने साथ रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मारपीट करते हैं। मारपीट? क्या शराब पीते हैं? मारपीट करें जाकर पुलिस में केस करो। वहाँ कहाँ पोस्टेड है अभी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में तो और पुलिस तुमको प्रोटेक्शन देगा। तुम पिताजी के साथ कब तक रहोगी? कितने भाई बहन हो? चार। बाकी भाई सब क्या करता है? अभी सब पढ़ाई कर रहा है। और जब सबकी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा कुछ नहीं रहे बचेगा यहाँ। ये बूढ़े हो जाएंगे, कल होकर जब माँ पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम क्या करोगी? जाना है हस्बैंड के साथ? हाँ जाना है। सरकारी नौकरी में है, अच्छा कमा रहा है, आ जाओगी? आ जाओगी? हाँ तैयार हैं जाने। तैयार हो तो यहीं से जाओ, कपड़ा वपड़ा खरे। हाँ घर पे बेटी है। बेटी को लेके आओ। घर से जाएंगे ना हम? घर पर भेज रहे हैं तुमको, तुम्हारे घर आ जाएगा वो लेके लेने, और तुम उसके साथ बेटी और अब खुद जो भी थोड़ा बहुत सामान लेकर जाओ, विशाखापट्टनम लेकर जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो इस केस को हम पेंडिंग रखते हैं। हमको उनके साथ ही रहना है, हमको ससुराल में अकेले नहीं रहना है। हाँ तुमको ससुराल नहीं भेज रहे हैं, तुमको विशाखापट्टनम भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस मिस्टर एएसपी प्लीज कम, आई विल टेल द हस्बैंड टू टेक हर टू विशाखापट्टनम, एंड इन दिस इफ दिस फादर प्लेज एनी Don't then please take care of that. If there is any problem, the boy will go and meet you. Definitely. आप अपने किसी जूनियर अफसर को जो भी महिला आई हैं इनको ऑथराइज कर दीजिए कि कम से कम इन दोनों को ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचा दें, और ये लोग विशाखापट्टनम। आपका टिकट विकट हो गया है? आपका तो क्लाइंट ही नहीं आया है। तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, आज शाम में चले जाओ विशाखापट्टनम। यहीं से ना, हम तो यही समझ ही रहे थे। बेटी कहाँ? बेटी घर पर है ना? बेटी इसके पास है। हाँ हाँ घर से लाना होगा ना हम इनको। ले आऊंगा सर। हैं? हाँ हाँ तुम ही ले आना। टिकट करा लिए हो विशाखापट्टनम का? क्या फ्लाइट है?